अब देखो यार, किसी भी फ़ोटो का पीडीएफ किस तरीके से आप बनाओगे, फ़ोटो हो, कोई इमेज हो, कोई कैमरा से आपने खींच रखा हो, या फिर कहीं का भी फ़ोटो हो सकता है, उसको आप पीडीएफ किस तरीके से बनाओगे। तो हमारे पास एक ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, इसका मैं चाहता हूँ कि पीडीएफ बन पाए। आपके पास कोई भी फ़ोटो, कोई इमेज जो कैमरा से खींचा हो, कोई किसी ने भेजा हुआ हो, आपके पास कुछ भी हो सकता है, फ़ोटो इमेज, ठीक है। तो उसको आप पीडीएफ में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, जैसे ये वाला मेरे पास फ़ोटो है, अगर मैं इसका आपको पीडीएफ दिखाऊं, तो मैंने बना रखा है पीडीएफ ताकि मैं आपको शुरू में ही दिखा पाऊं और इसका प्रोसेस आपको बता पाऊं कि किस तरीके से ये बनता है। ये पीडीएफ है इसका, पीडीएफ मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आप देख पा रहे होगे, इसी चीज़ का सेम मैंने पीडीएफ बना रखा है। तो ऐसे इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ का पीडीएफ किस तरीके से बना पाओगे, जैसे मैंने इसका ये पीडीएफ फाइल बना दिया है और मैं इसको शेयर करूंगा तो कहीं पे भी आराम से सेंड कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ पीडीएफ के फॉर्म में, ये जो कि एकदम क्लीन रहेगा, ठीक है। ये आप देख पा रहे होगे, पीडीएफ में सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं कहीं पे भी आप शेयर करते हो तो वो चीज़ है। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हद तक अच्छी हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस करने के लिए आपको सिंपल सा चले जाना है गूगल पे, कोई भी फ़ोटो कोई भी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो आप पीडीएफ में बड़ी ही आसानी से। यहाँ पे आपको टाइप करना है फ़ोटो टू पीडीएफ, फ़ोटो टू पीडीएफ। जैसे ही आप लिखोगे, आपको देखिए वीडियो में आप बने रहोगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको सिंपल सा गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे फ़ोटो टू पीडीएफ यहाँ पे टाइप कर देना आप। उसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट दिख रही है सेकंड नंबर पे, smallpdf.com, यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ है। यहाँ पे आपको कन्वर्ट योर इमेज टू पीडीएफ, ये कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं है, स्मॉल पीडीएफ का कोई भी बंदा कोई भी टीम अगर देख रही होगी तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम स्मॉल पीडीएफ से हैं, ठीक है। तो इस जेपीजी टू पीडीएफ पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा आपके सामने इस टाइप से। यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, तो इस वीडियो का जो लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ वो है 500 लाइक, तो इस वीडियो को आप 500 लाइक कम से कम करवा दो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है चूज फाइल पे। जैसे आप चूज फाइल पे चले जाओगे यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी वो फाइल वो इमेज आप जो चूज करना चाहते हो अपने हिसाब से आप चेक कर लो कौन सा आप रखना चाहते हो। उसको आपको चूज करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा टिक पे क्लिक करना है और आपका जो फाइल चूज रहेगा वहाँ पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे जो कन्वर्ट का ऑप्शन दिख रहा है ये ब्लू कलर का हो जाएगा थोड़ी ही देर में, जैसे ही अपलोड हो चुकेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नीचे ऐड फाइल का ऑप्शन है, अगर आपको इसमें इमेज जोड़ना है, दूसरा इमेज भी साथ में इसी में अटैच करना है, तो वो ऐड फाइल पे आप क्लिक करके इमेज चूज करके वो भी आप कर सकते हो। दोनों जो है इमेज साथ में हो जाएंगे एक पीडीएफ फाइल में, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, दोनों इमेज या फिर जितने भी इमेज हो आप ऐड कर सकते हो नीचे से यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में कन्वर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, कन्वर्ट पे आपको क्लिक करना है। कन्वर्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो है जेपीजी टू पीडीएफ, यानी कि जेपीजी का मतलब हुआ कोई भी इमेज या फोटो को हम जेपीजी भी बोल सकते हैं, तो हम इसको जो है जेपीजी टू पीडीएफ में कन्वर्ट कर चुके हैं। यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड पे आप क्लिक कर देना सिंपल सा। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपका जो फाइल रहेगा जो भी पीडीएफ होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बार डाउनलोड किया था तो डाउनलोड अगेन का ऑप्शन दिया, तो डाउनलोड अगेन पर मैंने क्लिक किया और ये फाइल आराम से डाउनलोड हो गई और पीडीएफ के रूप में बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है। तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि इस वीडियो में मेरे को 500 लाइक चाहिए, तो 500 आप लाइक इस पे करवा दो, ठीक है। और वीडियो आप शेयर करना जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी, और चैनल पे आप पहली बार आए हो नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब करना, साइड में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करना। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।